जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप 24 सितंबर को एग्जाम दिए हैं एसएससी सीजीएल का, तो जरूर मिला लीजिए कि अभी तक जो सवाल पूछा है क्या उसमें ये सवाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जो भाई बंधु अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके पास एकदम धड़ाले से शेयर करते रहिए, ठीक है? तो आइए एकदम भैया के साथ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी सवाल पूछा है हमारे पास आया है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सवाल देखिए दिया है कि रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया है? तो दिया है कि 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, शासन किया था। यहां पे सवाल है कि अमजद अली खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था पद्म विभूषण। सवाल देखिए यहां पर दिया है कि मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम यानी कि रियल नेम क्या था? तो इनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था। यहां पर सवाल है कि दक्षिण अंटार्कटिका को कौन सा महासागर घेरे हुए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी महासागर। उसके बाद सवाल है दोस्तों कि वन अमंग यू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा एम के स्टालिन जो है वन अमंग यू नामक पुस्तक लिखी है। यहां पर है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो दोस्तों ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और यदि आपसे पूछ दे कि आईपीएल 2024 का जो फाइनल हुआ अभी वो कहां पे हुआ था, तो ये हुआ है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जो कि चेन्नई में है। और यहां पर दोस्तों कि आईपीएल 2023 में जो फाइनल मैच हुआ था उसमें से ऑरेंज कैप मिला था शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिला था मोहम्मद शमी को। आते हैं और सवाल लेकर के आइए साथियों। लेकिन मेरे भाइयों, आप सभी से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है? जो भी भाई बंधु हैं, देखिए सवाल दिया है कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है, किसका संबंध? रुद्राक्ष पाटिल का संबंध तो दोस्तों हो जाएगा शूटिंग से। यहाँ पे सवाल है कि 1912 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है? तो ये हुआ था बांकीपुर में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगूबाई, ध्यान से देखिएगा, गंगूबाई हंगल किसके साथ जुड़ा है? तो इनका हो जाएगा किराना घराना। दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले बार भी पूछ चुका है। तो यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण इनको मिला था 1971 ईस्वी में और पद्म विभूषण मिला था 2002 में। पद्म, ध्यान से देखिएगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये मिला था 2002 में और ये मिला था 1971 ईस्वी में और ये कर्नाटक से बिलोंग करती है। यहाँ पे सवाल है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1856 ईस्वी में। वैष्णव संत द्वारा असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा रासलीला। यहां पे सवाल है कि बाइसिकल किक किस खेल से संबंधित है, यानी कि खेल से एकदम भर भर के, नृत्य से एकदम भर भर के सवाल दे रहा है दोस्तों। तो बाइसिकल किक किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपके सामने फुटबॉल से। आते हैं और सवाल लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए सवाल दिया है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में। यहाँ पर देखिए सवाल दिया है कि तुलसीदास बोरकर को 2016 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था पद्म श्री। इनका संबंध किससे है? तो हारमोनियम वादक के रूप में। फिर सवाल है कि 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यह हो गया था दोस्तों पटना में। यहां पर सवाल है कि मेक इन इंडिया का संबंध किस योजना से है? तो यह हो जाएगा विनिर्माण यानी कि पुनः से निर्माण करना। दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? तो यह होता है रासायनिक परिवर्तन। और लास्ट सवाल है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा दोस्तों वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए अपने भाई बंधुओं के पास जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।